नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपडेट यू पर। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर एंड्रॉयड पाई की स्पेशल फीचर्स के बारे में, जो 9 फीचर्स यहाँ आपको बताए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फीचर एंड्रॉयड 9 पाई का, वह है कि यह ट्रैक करता है टाइम को कि आप अपने फ़ोन पे किस एप्लीकेशन को आप कितना देर यूज़ कर रहे हैं या फिर आप अपने फ़ोन को कितनी देर तक यूज़ कर रहे हैं। इन सभी चीज़ों को यह ट्रैक करता है। इसके अलावा यह साउंड्स और नोटिफिकेशंस को भी कंट्रोल करता है, मतलब कहाँ आपको मतलब साउंड ज़्यादा चाहिए और कहाँ साउंड कम, इसके भी यह कंट्रोल करता है। जो अगला यहाँ पर अपडेट निकल के आ रहा है वह है प्रेडिक्ट यूजेस ऑफ एप्स, यानी कि एप्लीकेशन की यूजेस को यह पहले ही अनुमान लगा लेगा कि आप इस एप्लीकेशन का कितना यूज़ करने वाले हैं आपकी ऐप हिस्ट्री से। जो यहाँ पर अगला अपडेट और निकल के आ रहा है वह है ब्राइटनेस को यह ऑटोमेटिक एडजस्ट कर देगा, यानी कि जब आप ब्राइट साइड में होंगे, यानी कि मतलब जैसे सपोज करो आप सनलाइट में हो, तो वैसे कंडीशन में आपकी जो ब्राइटनेस है उसको यह बढ़ा देगा, और यदि आप डार्क रूम में हो तो आपके फ़ोन की ब्राइटनेस को यह कम कर देगा। तो यह ऑटोमेटिक ब्राइटनेस एडजस्ट करेगा एंड्रॉयड 9 पाई में। जो अगला अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है वह अगले स्टेप को यह पहले ही अनुमान लगा लेगा कि आपका अगला स्टेप क्या है। सपोज़ आपने फ़ोन में ईयरफोन प्लग किया है, और तो ये मतलब कुछ इस तरीके से वर्क करेगा कि यह क्या करेगा, आपके ईयरफोन प्लग करने के साथ ही यह आपके लास्ट प्लेलिस्ट को ओपन कर देगा। जो आप मतलब अंतिम गाना आप जो सुन रहे थे उसे यह ऑटोमेटिकली ओपन कर देगा। अब जो यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आ रहा है सो स्निपेट्स, तो ये क्या करेगा, जो एप्लीकेशन का आप यूज़ ज़्यादा करते हैं वो क्या करेगा, एज आइकन के रूप में किसी भी दूसरे एप्लीकेशन के ऊपर ऐसा आइकन के रूप में आपको दिखाई देगा। तो ये भी एंड्रॉयड 9 पाई का एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो वाकई में इसे सभी एंड्रॉयड वर्जन से अलग बनाता है। अब जो अगला अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है, अगला अपडेट यहाँ पर बैकग्राउंड रिस्ट्रिक्शंस का, यानी कि कोई भी ऐप बैकग्राउंड में चलता है तो इससे क्या होता है, आपकी बैटरी की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो इसे बंद करने के लिए यहाँ पर एंड्रॉयड 9 पाई में यह एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा फीचर है। इसकी मदद से आप ऐप्स की बैकग्राउंड डाटा को रोक सकते हो। और अब हम देखते हैं हमारे आज के अगले अपडेट को। जो अगला अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है वो यहाँ पर टाइम लिमिट का। यहाँ पर आप अपने फ़ोन्स में या फिर अपने एप्लीकेशंस में टाइम का लिमिट भी सेट करते हो। सपोज़ आपको व्हाट्सएप सारे दिन में मतलब 30 मिनट्स तक आपको यूज़ करना है, तो वो आप टाइम लिमिट वहाँ सेट कर सकते हो। अब जो यहाँ पर अगला अपडेट निकल के आ रहा है वह नोटिफिकेशन मैनेजर्स का, तो यहाँ पर आप अपने नोटिफिकेशंस को भी मैनेज कर सकते हो। आप चाहो तो नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हो या नोटिफिकेशन को ऑफ कर सकते हो। आपको यदि किसी एसेंशियल नोटिफिकेशंस की आवश्यकता है तो आप नोटिफिकेशन ऑन करके केवल उसी नोटिफिकेशन को आप ऑन करके रख सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है एंड्रॉयड 9 पाई में। अब जो अगला अपडेट यहाँ पर निकल के आ रहा है एंड्रॉयड 9 पाई का, वह है डिस्प्ले कट ऑफ, जो कि आखिरी फीचर है। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि आप कोई भी एप्लीकेशन ओपन करोगे तो यह फुल स्क्रीन पर दिखाई देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर एंड्रॉयड 9 पाई का जो अपडेट था यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दो, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले। हर नई वीडियो उसके अपडेट सबसे पहले देखने के लिए घंटे के आइकन को ज़रूर दबा दो। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।